हेलो गाइस, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि वीडियो है मेरे लास्ट। मैंने कैट प्रिपरेशन की थी, उसमें मेरी क्या मिस्टेक्स थी जिस वजह से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। एंड मैंने इसको नोट डाउन भी कर लिया ताकि मैं कोई मिस ना कर दूं। सो यस, आई एम स्टार्टिंग विद दैट कि मैंने ना स्टार्ट बहुत लेट किया था। मैंने एग्जैक्टली 2 मंथ्स बिफोर स्टार्ट किया था कैट से, बट जो अभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त में, दिस टाइम इज नॉट लेस, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ना ये टाइम ना ज्यादा है ना कम, बिल्कुल परफेक्ट है अगर आपको अपना कैट एग्जाम अच्छे से करना है। एंड द सेकंड वन वाज नॉट गिविंग मॉक्स। मॉक्स तो मैंने फिर भी दिए थे, बट एनालाइज तो मैंने करा ही नहीं था स्टार्टिंग में। मतलब मेरे को पता था कि एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में एक दो किए, बट देन आई थॉट कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, क्योंकि एनालाइज टेक्स अराउंड फुल लेंथ मॉक का तो पूरा दिन ही निकल जाता है, मॉक दो एनालाइज करो, तो इसी वजह से मेरा स्कोर कम रहा, क्योंकि मैंने मॉक्स को अपने एनालाइज ही नहीं करा, मेरे को अपनी गलतियां पता ही नहीं चली, तो मॉक्स में दोबारा वही सेम गलतियां होती रही और वही गलतियां पेपर में हो गई। सो यस, एनालाइजिंग मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गिविंग इट, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है मॉक देने का भी। सो द थर्ड वन इज वॉचिंग सो मैनी यूट्यूब वीडियोज, वन शॉर्ट वीडियोज बहुत ज्यादा है यूट्यूब पे, आप उनको देखोगे तो आप उन्हीं को देखते देखते अगर क्वेश्चन कर रहे हो कोई फायदा नहीं है उसका, यूजलेस, क्योंकि अगर आप उसको देख देख के करोगे तो आपको जब अपने आप सोल्व करना पड़ेगा आपसे होगा ही नहीं। सो यस, डोंट डू दिस मिस्टेक। एंड गाइज, जैसे आपको पता है कि कैट नोटिफिकेशन इज आउट, यू आर स्टार्टिंग नाउ एंड यू आर थिंकिंग कि क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सो यस इट इज पॉसिबल पीडब्ल्यू के एमबीए वाला बैचेस के साथ, एमबीए फास्ट ट्रैक एंड एमबीए इग्नाइट। एमबीए फास्ट ट्रैक वाला बैच जो अभी लॉन्च हुआ है इसकी ऑफर पे है, तो आपको ये मिल जाएगा 3999 में। आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे एंड यू विल गेट 20+ मॉक टेस्ट सीरीज, 10,000+ क्वेश्चन बैंक। So orientation of this batch is starting from 14th of August, so enroll as soon as possible. And if you have not started yet and agar aapke paas 12-13 ghante hain padhne ke liye, then this batch is for you. It is Ignite batch and ispe bhi offer hai and iske features aapko screen pe dikh rahe honge. It includes GDPI session, 20+ mock test series and practice questions and many more. Guys, MBA Pro batch पे भी offer है, जो आपको पहले 3999 का मिल रहा था, अब आपको मिलेगा सिर्फ 10999 में। And MBA Pro batch में आपको Ignite batch के सारे benefits के साथ जो आपको screen पे दिख रहे हैं वो सारे benefit भी additional मिलेंगे, including other MBA entrance exam prep. So इन सब batches पे अगर आप जो screen पे दिख रहे हैं वो वाला coupon code use करोगे तो आपको मिलेगा extra 500 rupees का discount. So guys, ये तो हुई batch की बात, but मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं मैंने अपनी 3 मिस्टेक क्या बताई है। पहली तो कि मैंने लेट स्टार्ट किया था एंड आई वाज नॉट कंसिस्टेंट। सेकंड थिंग, मैंने मॉक्स जो दिए थे कम ही दिए थे, बट जो दिए थे उनका एनालाइज भी नहीं करा। एंड थर्ड वो कि मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी है एंड उसको मैंने अपना प्रैक्टिस समझ के, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। एंड नाउ लेट्स कम टू फोर्थ वन, एंड द फोर्थ वन इज कलेक्टिंग मटेरियल, जो आप सब अभी भी कर रहे हैं। आई नो दिस, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में यही चलता रहता है कि ये वाला मटेरियल दे दो, वो वाला मटेरियल दे दो, सारे इकट्ठा करके कहाँ जाओगे। तो जो आपके पास एक है ना, उसी को फॉलो करो एंड उसी को अच्छे से फॉलो करो। अगर आप कोई कोचिंग फॉलो कर रहे हो तो आपको किसी और मटेरियल की कोई जरूरत नहीं है, आप उसी को अच्छे से करो, कोई भी कोचिंग आप फॉलो कर रहे हो। सो यस, आपको कलेक्ट नहीं करना मटेरियल, जितना है उससे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। एंड फिफ्थ वॉज नॉट रिवाइजिंग। तो गाइज, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं। जैसे आई हैव टोल्ड इन मैनी वीडियोज कि अगर आप एक टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हो, स्पेशली इट इज फॉर क्वांट्स, जैसे अर्थमेटिक कंप्लीट कर चुके हो तो अब आप एलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हो इस मंथ, तो आपको हर वीकेंड उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको वो अर्थमेटिक वाला चीज याद रहेगा, वरना आप भूल जाओगे। सो यस, एक तो फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, फॉर्मूला नोटबुक को डेली रिवाइज करो। यस, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग। सो गाइज, जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया ना, इनका प्लीज आप ध्यान रखना एंड ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। जो आप में से रिपीटर्स हैं वो भी अपनी लर्निंग जो लास्ट अटेम्प्ट से थी वो जरूर शेयर करना कमेंट्स में, आई विल पिन दैट, बिकॉज कि और लोगों को भी हेल्प मिल सके एंड मेरे को भी। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स अगर आपको कोई डाउट है तो। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कॉमेंट। बाय बाय।